एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार में सुशासन कायम करना चाहते हैं, अपराधियों के मन में पुलिस का भय कायम करना चाहते हैं, तभी तो बिहार में पुलिस की संख्या बढ़ाना है, 1 लाख पर तकरीबन 150 पुलिस कर्मियों को तैनात करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महामंथन किया और अधिकारियों को निर्देश दे दी। आपको बता दें कि पुलिस विभाग को यह टारगेट दिया गया है कि 60 दिन के अंदर किसी भी मामले का निष्पादन किया जा सके, पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर ले और उसका अनुसंधान करके कोर्ट में पेश कर दे। 2 महीने का वक्त रखा गया है, यानी कुल 60 दिन। साथ ही साथ जो बिहार के अंदर थाना भवन है, जो आज भी खपड़ेले भवन है, उन सभी भवनों को चिन्हित करके उन्हें छतदार भवन बनाना है, उनमें तमाम सुविधाएं मुहैया करानी है, जिससे बिहार पुलिस के जो जवान है, जो थाना में काम करेंगे, जो अधिकारी हैं, उन्हें सहूलियत हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पुलिस आधुनिकीकरण के संबंध में एक बैठक बुलाए थे। इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी कांड का अनुसंधान 60 दिनों के अंदर सुनिश्चित कराया जाए, ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा दिलाई जाए। ये बेहद जरूरी है कि बिहार में कानून का राज एक बार फिर से कायम हो सके। पुलिस अपने कार्य संस्कृति को 2 हिस्से में बांट ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार, आबादी के अनुसार अब पुलिस कर्मियों की बहाली जो है वो 150 से लेकर 160 की संख्या में पर लाख से 1.5 लाख की जो आबादी है उस पर रखा जाएगा, यानी 1 लाख की जनसंख्या पर तकरीबन 150 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जो रिटायर पुलिस कर्मी हो रहे हैं उनके जगह पर जो खाली हो रहे पद है उस पर भर्ती किया जाए। जो पुलिस ट्रेनिंग और थाना में जो तमाम सुविधा है उसे बहाल किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है कि 1 लाख की आबादी पर 150 से 160 पुलिस कर्मियों की बहाली किया जाएगा। यानी बिहार में एक तरफ अपराध बढ़ रहा है जिससे नीतीश कुमार परेशान है, सुशासन की सरकार पर सवाल उठ रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है, पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की और इस महामैराथन बैठक के बाद जो नीतीश कुमार ने एक्शन लिया उसमें यह है कि अब 1 लाख से जो 1.5 लाख के बीच की जो आबादी होती है तमाम शहरों में, तमाम गांवों में, वहां जो पुलिस कर्मियों की संख्या है वो 150 से 160 करने की है, यानी तकरीबन 1.5 लाख लोगों पर 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। यानी अब हर जगह पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे जिससे कि आपराधिक घटनाओं पर लगाम लग सके। आपको बता दें कि बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार की जिस तरीके से एंट्री हुई थी उसके बाद नीतीश ने आगमन के साथ ही सबसे बड़ा जो काम किया था, सबसे बड़ा जो एक्शन लिया था, बदलाव लिया था, वो पुलिस विभाग का था, कानून का था। कानून का भय अपराधियों के ऊपर इस तरीके से छाया कि अपराध की घटनाएं बिल्कुल ठहर सी गई थी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की शासन को सुशासन की सरकार कहा जाने लगा। अपराधी घटनाएं रुक गई, बिहार में जो घटनाएं बढ़ रही थी उस पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई थी और यहीं से पुलिस महकमे को लेकर नीतीश कुमार काफी सजग रहे। पुलिस कर्मियों को विशेष प्रकार की सुविधा दी गई, लेकिन इन सबके बीच सवाल यह उत्तर आया कि आबादी के अनुसार पुलिस कर्मियों की संख्या कम है, इस वजह से बेहतर पुलिसिंग नहीं हो पाती है। और इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब जो नया बैठक के बाद फरमान दिया है कि अब 1.5 लाख की आबादी पर 150 से 160 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए। साथ ही साथ जो थाना भवन है उनको सुचारू ढंग से बनाया जाए, आने जाने वाले जो लोग पुलिस थाना आना चाहते हैं उनके साथ पुलिस का जो बर्ताव है वो बेहतर हो, इसके लिए मैनेजर की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही साथ जो पुलिस भवन के अंदर शौचालय वगैरह होते हैं उन्हें बेहतर किया जाए, पुलिस की जो ट्रेनिंग है उसकी बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, पुलिस ट्रेनिंग के लिए जो अलग से सेंटर खोलने की मांग है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। और सबसे बड़ी समस्या, जो रिटायर हो रहे थे पुलिसकर्मी उनके पदों पर जल्द से जल्द बहाली किया जाए। उसके अलावा बिहार पुलिस में अगर किसी अन्य पद की जरूरत है
तो उसका भी सृजन करके उस पर भी बहाली किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में नीतीश कुमार अपनी खोती लोकप्रियता को एक बार फिर से हासिल करने के लिए, कानून का राज कायम करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।